हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर प्रशांत और आ गए मेरे चैनल पे बड़ी फोटोग्राफी। तो आज मैं आपको कुछ इस टाइप के फोटो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं जो कि है ब्लैक पैंथर कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता हो तो अभी दो तीन दिन पहले चैडविक बोसमैन जो ब्लैक पैंथर का रोल निभाते थे, बहुत बढ़िया तरीके से निभाते थे, उनका कैंसर की वजह से निधन हो चुका है। तो उसको हम ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बनाया था, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं एक एक स्टेप करके आपको सिखाने वाला हूँ, तो जरूर ये वीडियो फुल देखिए और एक एक स्टेप देखिए, ठीक है। कट जरा सा भी मत करना वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कैसे ये वाला पिक बनाया है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जाहिर सी बात है नए हो गए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो भी नहीं किया है तो जाइए, इधर नाम आ रहा होगा उसको फॉलो कर दीजिए और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जा सके और उधर फॉलो भी कर सके, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम आ चुके हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा पिक्सआर्ट, ठीक है। पिक्सआर्ट ओपन हो चुका है, बस अब ये वाला बैकग्राउंड जो मैंने इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसको ले जाइए, उसको भी डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो अब हम लेंगे मॉडल का PNG, ठीक है गाइस। ये आपको कुछ इस तरह से पोज देके फोटो खिंचवाना पड़ेगा, ठीक है। इसको जूम करके ऐसे फिट टू स्क्रीन कर देंगे, ठीक हो गया। आपको कुछ इस तरह का फ़ोटो खींचना है और ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से सेंटर में ला लेना है और फिर डन कर देना है, ठीक है। ये फ़ोटो हो चुके हैं बढ़िया, ठीक है। ये ऐड कर दिया, बस अब आपको एक मैं PNG देने वाला हूँ, वो सिंपली इस टाइप का PNG है उसको ऐसे सेंटर में ला के इसको एकदम इस तरह से बिठा देना है और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये हो चुके। और इधर थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं इधर, ऐसे गले पे ज़्यादा ना ऐसे कर देना और फिर डन कर देना है, ठीक है। ये बन गया हमारा ये वाला पिक और इसको डन पे क्लिक कर देंगे, हो चुका है देखिए बिफोर एंड आफ्टर हो गया। बस अब तो इधर ड्रॉ टूल पे जाना है और इसको सेव कर लेना है। अब गाइस हम ओपन करेंगे स्नैपसीड। तो गाइस हमने स्नैपसीड में हमारा वो वाला पिक इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। तब बस आपको लेंस ब्लर पे जाना है, इसको छोटा करके ऐसे कोने में रख देना है और इसको ऐसे करके इधर इधर प्रेस करके वीकनेस स्ट्रेंथ को ज़ीरो कर देना और डन कर देना है, ठीक है। बस आपको ऊपर जाना है इस पर, यहाँ पर ओपन के बाजू में, और व्यू एडिट्स पे जाके इस पर फिर से दबा के इधर दूसरा वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम कर देना 50 और ब्रश कर देना, ठीक है। ठीक है गाइस, ये मैंने ब्लर कर लिया है। बस आपको इधर से थोड़ा सा रेड रेड आ रहा है जो मेरा रेड शर्ट का था, उसको हटाने के लिए सिलेक्टिव टूल पे जाएंगे और इधर इधर ये जो रेड है उस पर ऐसे कर देंगे, तो जितना भी रेड पार्ट है उसको एक कर लेगा और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करके इसका सेचुरेशन डाउन कर देंगे और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा पढ़ा देता, ठीक है। तो ये बन गया थोड़ा सा ब्लैक, ओके। तो अब हम इसको ओपन करेंगे लाइट रूम में, ठीक है गाइस। तो ये वाला फ़ोटो मैंने इसमें लाइट रूम में ऐड कर लिया। तो बस आपको लाइट रूम में कुछ भी नहीं करना है गाइस, मैंने आपको सिंपल तरीके से अपना प्रीसेट दे रखा है जो कि ये रहा मेरा ब्लैक पैंथर प्रीसेट। तो बस आपको इधर ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके इसकी टूल्स और जियोमेट्री को कॉपी कर लेना, सबको ऐसे सिलेक्ट कर लेना और फिर ओके करके कॉपी हो जाए सेटिंग। बाद में इधर फिर से अपने पिक पे जाना है और फिर पेस्ट सेटिंग कर देना है सिंपली, ठीक है। तो एकदम बढ़िया तरीके से हमारा पिक बन चुका है,
देखिए गाइस कितना भयानक लग रहा है अपना बेस्ट पिक। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एडिट कर दिया, बस आप ही मेरे रूल्स ऐसे फॉलो करते रहिए और उससे ये ऐसा बहुत ही बढ़िया पिक एडिट कीजिए। ठीक है, और हाँ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ले तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ।